अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जी 15,000 रुपये के पीसी बिल के बारे में। नाउ इस पीसी के अंदर आप अच्छी बड़ी गेमिंग कर सकते हैं। अच्छी बड़ी से मुराद 15,000 रुपये के अंदर अंदर रहते हुए जो अच्छी बड़ी एक्सपेक्ट की जा सकती है उस लेवल की गेमिंग इस सीपीयू के अंदर हो जाएगी। नाउ इस पीसी के ऊपर कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह चल जाएगी, GTA 5 चल जाएगी, पबजी मोबाइल चल जाएगी, फ्री फायर चल जाएगी, लाइक जितनी भी बेसिक लेवल की गेम है या जितनी भी आज से 4 साल पुरानी गेम्स है वो सारी इजीली चल जाएगी। बट गेम्स लाइक RDR2 या फिर हमारे पास जो ये साइबरपंक का ये ऐसी गेम्स इसके इस पीसी के ऊपर चलाना थोड़ा मुश्किल है, बट GTA 5 और पबजी मोबाइल जो हमारी मोस्ट नीडेड गेम्स है वो इस पीसी के ऊपर इजीली चल जाती है। नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर पीसी बिल्ड। यहाँ पे सबसे पहले हमने बात करनी है जी प्रोसेसर की, एंड प्रोसेसर के केस में हमने यहाँ पे कोर टू क्वाड चूज करना है। नाउ क्वाड कोर प्रोसेसर हमारे पास है, कोर टू क्वाड कोई भी मॉडल हो जाए, क्यों 6600 या क्यों 900 सीरीज का कोई हो, 9000 सीरीज का कोई हो, कोई भी मॉडल वाइज हो हमारे पास कोई मसला नहीं। आपने किसी कोई भी कोर टू क्वाड वाला प्रोसेसर चूज कर लेना है। उसी के बाद आपने प्री बिल्ड पीसी लेना है तो उसके अंदर आपको 4 GB की रैम मिल जाएगी, 250 GB तक की हार्ड डिस्क मिल जाएगी, 300 वाट्स तक की पावर सप्लाई मिल जाएगी, LGA 775 वाला सॉकेट वाला मदरबोर्ड मिल जाएगा, एंड एक टावर केसिंग आपने ले लेनी है। अब ये पहले से ही आपको वो तैयार मिलेगा, इसका मतलब ये है कि आप इस सीपीयू को भी खाली उठा के इसको प्लग एंड प्ले करके चला सकते हैं, बट वो अलग बात है। ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा गेमिंग के लिए, क्योंकि इस सीपीयू के अंदर हमारे पास ग्राफिक कार्ड के बगैर गेमिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने ग्राफिक कार्ड जो है ऑलमोस्ट 1 GB का मिनिमम लगाना होगा। अब पहले सीपीयू की बात कीजिए प्राइस की, तो सीपीयू हमें ऑलमोस्ट आजकल पाकिस्तानी मार्केट में 8,000 या 9,000 रुपए का इजीली देखने को मिल जाता है। 9,000 बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, बट नॉर्मली 8,000 तक का इजीली देखने को मिल जाता है। अब पीछे ग्राफिक कार्ड के लिए हमारे पास 7 से 8,000 रुपए बच गया, फिर 5 से 6 7 इस तरह 1,000 रुपए बच जाते हैं हमारे पास, एंड इस रेंज में काफी ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड आ जाते हैं हमारे पास। अभी मैंने ग्राफिक कार्ड के ऊपर लेटेस्ट 1-2 वीडियोस भी बनाई थी AMD एंड NVIDIA के ऊपर अलग अलग, जो कि आपको ऊपर आई कार्ड में मिल भी जाएगी, आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। बट इस सीपीयू के लिए जो हम बेस्ट ग्राफिक कार्ड चूज करने वाले हैं वो हमारे पास वो 2 GB का ग्राफिक कार्ड हो सकता है जो हमारे पास नॉन ब्रांडेड, और नॉन ब्रांडेड से मुराद AMD NVIDIA का वो ग्राफिक कार्ड जिसका कोई नाम पता ना हो, जो हमारे पास जो है लाट के माल में आते हैं, या कह लो जो हमारे पास विदाउट बॉक्स आते हैं बाहर से, एंड वो शॉपकीपर्स के बाद लाइक टन में पड़े होते हैं, वो आपको देते हैं कि यार कोई भी चूज कर लो, 2 GB ग्राफिक कार्ड DDR3 के 64 बिट के या फिर 128 बिट के। ये ग्राफिक कार्ड जो है हमारे पास बाहर से यूज होकर आते हैं, बाहर से यूज होते हैं, पाकिस्तान में नहीं यूज हुए होते, बट ये हमारे पास इतना आया कि बिल्कुल जो है स्मूथ गेम्स वगैरह करा देते हैं, GTA 5 वगैरह जैसी गेम करा देते हैं। बट इन केस अगर आपको 7 से 8,000 रुपए के अंदर अंदर 2 GB ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1 GB ग्राफिक कार्ड भी अगर आप ले लेते हैं अच्छा वाला, क्वाड्रो 600 मिल जाता है, क्वाड्रो 4000 आई थिंक मिल जाता है, कोई 8,000 तक का वो थोड़ा एक्स्ट्रा बजट निकल जाता है हमारा, बट 1 GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है जो नॉन ब्रांडेड है, पहले आप कोशिश करें कि वही ले लें। 2 GB के जो ग्राफिक कार्ड आते हैं वो काफी ज्यादा जबरदस्त काम हो जाएगा। सो बस यार, दिस इज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।